देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दिखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 1 दिसंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 40 नए मामले, कोई भी मौत नहीं, 27 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 275 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 705 नए मामले सामने आए हैं, 694 रिकवरी हुई है, 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7731 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 21 नए कोविड 19 मामले, 22 रिकवरी और 3 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 325 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 17 नए कोरोना के मामले, 19 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 163 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 196 नए मामले सामने हैं, 184 रिकवरी हुई है, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 3591 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 144 नए मामले सामने हैं, 109 रिकवरी हुई है, 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2625 है। नंबर सात, कर्नाटक आज कोरोना वायरस के 297 नए मामले सामने आए हैं, 745 मरीज ठीक हुए हैं, 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 6445 हैं। नंबर 8, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना के मामले, 19 रिकवरी दर्ज की गई हैं, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 141 है। नंबर 9, तमिलनाडु में आज कोरोना के 720 नए मामले सामने आए हैं, 758 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 8244 हैं। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 21 नए कोरोना के मामले, 43 रिकवरी दर्ज की गई है और कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 284 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 38 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, कोरोना से 30 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 284 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 184 नए मामले सामने आए, इस दौरान 134 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2149 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए, इस दौरान 9 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 193 है। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 4723 नए मामले सामने आए, 5370 रिकवरी हुई है, 177 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 44314 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं, 27 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 119 है। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 12 नए कोरोना के मामले सामने आए, 9 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 98 है। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 102 नए मामले सामने आए, 91 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 834 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए, दौरान 40 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 649 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 4 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, 7 लोग कोरोना से ठीक हुए, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 36 है। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 228 नए मामले सामने आए, इस दौरान 203 लोग चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2188 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 10 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 81 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 678 नए मामले सामने हैं, 942 रिकवरी हुई है और 35 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 11226 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 12 नए मामले सामने हैं, 8 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, एक्टिव मामलों की कुल संख्या 89 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 34 नए कोरोना वायरस के मामले सामने हैं, 32 रिकवरी हुई है, कोरोना से 1 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 287 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 3 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 35 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने, इस दौरान 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 65 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 171 नए मामले सामने हैं, 172 रिकवरी हुई, कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1625 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 9 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 294 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 365 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 415 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 3751 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।